Good morning everyone. I welcome you all to Unacademy Studio Rise, which is again India's largest platform for UPSC preparation. So in this session we will discuss about jo important topics hain kal ke newspaper mein aur aaj ke newspaper mein. Kal ka agar aap newspaper dekhenge to usme mainly science and technology ke kafi important topics cover kiye gaye hain, to unko bhi hum discuss karenge. We will discuss about Nobel Prize जो आपको दिया गया है, मतलब जो दिया गया है उसके बारे में फिजिक्स और केमिस्ट्री के देखेंगे. ऑल दो जो पहले के सेशंस हैं उसमें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नोबेल प्राइजेस 2019 के. उसके अलावा भी कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, लाइक वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ड्रग रेजिस्टेंस. वी विल डिस्कस अबाउट ड्रग रेजिस्टेंस का ये जो कंसेप्ट है वो क्या है, और अभी आइडेंटिफाई किया गया है अगर आप देखते हैं तो आइडेंटिफाई किया गया है अ पर्टिकुलर प्रोटीन, और ये प्रोटीन हेल्प कर सकती है टू टैकल दिस ड्रग रेजिस्टेंस. इसके अलावा भी इंडिया, चाइना एंड नेपाल और इनका जो रिलेशनशिप है उसके बीच का जो डायनेमिक्स है दैट आल्सो वी विल डिस्कस. और कुछ और भी कंसेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आज के न्यूज़पेपर में जो आए, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स टेररिज्म, व्हाट इज टैक्स टेररिज्म, दैट आल्सो वी विल डिस्कस. वी विल आल्सो डिस्कस बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस. तो ये एक कुछ नया एक हो सकता है अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो ये टॉपिक आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है. इसके अलावा कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉपिक है, सिर्फ सालम डैम, और कुछ एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिला है, एंड दैट इज़ जो कि आपके अगेन पेपर में ही पूछा जा सकता है जी एस पेपर 3 के अंदर, और दैट इज़ वट इम्पैक्ट एग्रीकल्चर हैज़ ऑन बायोडाइवर्सिटी. नाउ अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड बी अवेयर अबाउट. लाइक अगर आप एग्रीकल्चर की बात करो तो ये भी आपके मॉड्यूल है, सेपरेट मॉड्यूल है जी एस पेपर 3 के अंदर, और बायोडाइवर्सिटी भी आप पढ़ते हो एनवायरमेंट के अंदर. तो दोनों ही टॉपिक्स को कंबाइन किया जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है. तो ये थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी पर, क्योंकि इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आया है, रिसर्च भी हुई है, तो उसको भी विद एग्जांपल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो देर आर मेनी मोर टॉपिक्स. सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे. बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू इन ब्रीफ अबाउट आवर प्लस प्लेटफॉर्म. तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन में अगर कई सारे आपको सब्जेक्ट्स करने हैं, चाहे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 है, और चाहे वो टेस्ट सीरीज है या फिर ऑप्शनल है या ऐसे का पेपर है, तो आप एक ही प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके अपना सारा का सारा जो सिलेबस है उसको पूरा कर सकते हैं. तो इंडिया के टॉप 80+ जो एजुकेटर्स हैं, 80+ एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं अनअकैडमी में, तो इनकी क्लासेस आप कर सकते हैं और अपना जो सिलेबस है यूपीएससी का उसको कर सकते हैं. उसके अलावा डिटेल कोर्स ऑन करंट अफेयर, अगेन दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी. ये डेली बेसिस में आपका क्लासेस होती हैं 11 AM को, तो ये भी कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें द हिंदू तो है ही, साथ में बहुत सारी ऐसे मैगजीन्स है वो भी कवर इसमें किया जाएगा. तो इससे रिलेटेड जो डिटेल है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं. अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है, क्योंकि 2 ईयर्स का करंट अफेयर एटलीस्ट आपको करके जाना चाहिए. इन ऑर्डर टू ज्वाइन यू हैव टू यूज़ दिस रेफरल कोड दैट इज़ SPLIVE. जैसे आप इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे, अगेन द अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%, और इसमें आप मेरे कोर्स तो कर ही सकते हैं, साथ में सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेस कर सकते हैं. तो बहुत सारे अपकमिंग कोर्सेस हैं, और जो कि फोकस्ड हैं आपके ऑप्शनल प्रिपरेशन से रिलेटेड, या फिर जो 2020 का जो प्रीलिम्स है उससे रिलेटेड, तो उनको आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं. और इसके लिए अगेन यू हैव टू यूज़ दिस रेफरल कोड SPLIVE, और अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो जॉब करते हैं वो 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जैसे ही इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे दैट इज़ SPLIVE, अगेन द अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. पहला टॉपिक देखते हैं, नेपाल चाइना इंक रोड कनेक्टिविटी. ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जो अगर अभी चीन के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया आए, और हमारे पहले के जो सेशंस थे वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप. तो अगर किसी ने नहीं देखा तो उस जो पहले के जो अभी 2 सेशंस हैं, मतलब 11th और 12th अक्टूबर के, तो उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट डिस्कस किया है इंडिया चाइना रिलेशनशिप के ऊपर, तो उसे आप ज़रूर से देखो, है ना, क्योंकि कई सारे आपके क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं. अब यहाँ पे अगर चाइना की बात करें तो चाइना एक ऐसा देश है, अगर आप उसकी फॉरेन डिप्लोमेसी को देखते हैं तो अपने इंटरेस्ट को बहुत आगे रखता है. और अगर आप नेपाल में देखें तो इस समय नेपाल में भी कम्युनिस्ट सरकार है ना, यहाँ भी आपकी कम्युनिस्ट सरकार है, और ये जो नई सरकार है
इस नई सरकार के आप कह सकते हो आने में चीन का बहुत बड़ा रोल है. अगर आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होती हैं तो इंक्लिनेशन भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि अगर आप चाइना की बात करें तो वहाँ भी कम्युनिज्म फॉलो किया जाता है, नेपाल की जो सरकार है वो भी कम्युनिस्ट है. तो यहाँ पे क्या है कि दोनों जो देश हैं और क्लोज आ सकते हैं, और यहाँ पे इंडिया के इंटरेस्ट के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है. और इसी को ध्यान में रखते हुए दे आर प्रपोजिंग व्हाट वी कॉल इट एज ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है. ये प्रपोज किया जा रहा है, और ये जो कनेक्टिविटी अगर इस्टेब्लिश की जाएगी तो इससे इंडिया के भी कई सारे इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट होंगे. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ट्रांस हिमालय कनेक्टिविटी है, तो ल्हासा जो कि तिब्बत से है वहाँ से लेके काठमांडू तक आपका ये कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की जाएगी. तो यहाँ पर अगर चाइना और नेपाल के बीच में फिजिकल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होती है, मतलब रेलवे या रोड के थ्रू कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होती है, तो जो एक्सेसिबिलिटी है नेपाल की, एक्सेसिबिलिटी चाइना की नेपाल तक, वो इंक्रीज़ होगी. और नेपाल बहुत क्लोज लोकेटेड है इंडिया के, तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हो एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज देगा अगर आप बात करो चाइना को. ऑलरेडी अगर मैप देखते हैं आप, है ना, तो ऑलरेडी चीन ने क्या किया है, चीन ने ऑलरेडी क्रिएट बना रखा है व्हाट वी कॉल इट एज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो यहाँ भी वो गदर पोर्ट और यहाँ कसगर रीजन, यहाँ तक इंडिया को इसने सराउंड कर रखा है, ये पूरा रीजन है. तो यहाँ से पूरा इस रीजन पे चीन एंटर कर सकता है. उसके अलावा अगर नेपाल का इलाका देखें तो यहाँ से भी इंडिया को पूरे तरीके से सराउंडेड है, क्योंकि अगर आप पहले 15th सेंचुरी से पहले का समय देखें तो विश्व की जो सबसे बड़ी दो इकोनॉमीज थी वो चीन और भारत थी, ठीक है. तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ समय, मतलब कुछ क्या कई सेंचुरीज से ये हम कह सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया और चीन का ड्यू टू वेरियस रीजंस वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है. लेकिन चीन को ये भी पता है कि कुछ समय में हो सकता है 40-50 ईयर्स में इंडिया अपनी पोजीशन दोबारा से रिटेन करेगा, चीन भी अपनी पोजीशन दोबारा से रिटेन करेगा. और यहाँ पे अगर उन दो देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन नहीं है तो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ सकती है. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, जो कि चेन्नई कनेक्ट, जो कि अभी ममल्लापुरम में आपकी जो समिट हुई है, जो कि महाबलीपुरम या जो चेन्नई कनेक्ट भी बोलते हैं, चेन्नई कनेक्ट टू वुहान एक्सप्रेस, तो यहाँ भी अगर आप देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस बेसिकली डिस्प्यूट ना बन जाए, ये बहुत ज़रूरी है. ये लाइन भी आप मेंशन कर सकते हो, डिफरेंसेस ऑल दो काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है और ये डिस्प्यूट का रूप ना ले ले, है ना, ये दोनों देशों को ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे अब कॉम्प्रोमाइज़ कौन करेगा, मतलब इंडिया करेगा, चीन करेगा, कौन करेगा, क्योंकि अगर आप चीन की बात करें तो बहुत ही कम है, और मतलब उसका अपने इंटरेस्ट को डाइल्यूट करना बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है. तो क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? दूसरा अगर आप एंगल ये देखो कि अगर इन जनरल अगर जो पाकिस्तान कार्ड है, पाकिस्तान कार्ड चाइना बहुत यूज़ करता है इंडिया के खिलाफ, हो सकता है फ्यूचर में नेपाल कार्ड यूज़ करना शुरू करे. तो अगर इंडिया पाकिस्तान के क्लोज जाएगा, है ना, जो पाकिस्तान है अगर उसके क्लोज इंडिया जाएगा, उनके बीच रिलेशन बेटर होंगे, तो इससे आप कह सकते हो ये जो कार्ड पाकिस्तान का यूज़ किया जाता है चीन के द्वारा वो काफ़ी लिमिट होगा. दूसरा ये भी अगर आप दूसरे एंगल से देखो कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का जो रीजन है, वहाँ से आपका ये चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर पास हो रहा है, और ये एक डिस्प्यूटेड एरिया, तो इस वजह से भी इंडिया ने काफ़ी इस कॉरिडोर को आप कह सकते हो कि काफ़ी अपोज़ किया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, क्योंकि ये इंडिया के सोवेरनिटी के खिलाफ है. और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऐसी जगह से ये कॉरिडोर पास होकर जा रहा है जो कि अगेन इंडिया कंसीडर करता है अपना पार्ट. ये हो सकता है इंडिया शायद फ्यूचर में ये ऑफर कर सकता है किसको, चाइना को, कि अगर आप ये कॉरिडोर डेवलप भी कर रहे हो तो ये कॉरिडोर अगर आप डेवलप कर रहे हो तो हो सकता है कि बेटर, क्योंकि आज के समय में जो इकोनॉमिक लेवल पे अगर आप देखे जाएं तो सारी कंट्रीज़ इकोनॉमिक लेवल पे बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं. तो अगर इंडिया ऑफर करता है कि आप अगर इस कॉरिडोर को बना रहे हो तो आप ठीक है बना सकते हैं, आप हमारे मार्केट को भी एक्सेस कर सकते हैं, बट हमारा ज्यूरिडिक्शन यहाँ पर इंक्रीज़ करो. तो यहाँ पर अगर चीन को ये लगने लगे कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड में जो हमने ये कॉरिडोर बनाया है इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर ये
अगर ये इतना बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके कॉरिडोर बना भी रहा है तो यहाँ पे मार्केट भी कैसे एक्सेस करेगा और पाकिस्तान भी कैसे चाइना के मार्केट को एक्सेस करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। फिर बलूचिस्तान से वो पास होकर जा रहा है तो वहाँ भी कई सारे सिक्योरिटी कंसर्न चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इंडिया इस चीज़ को ऑफर करता है तो चीन भी ये सोचना शुरू करेगा कि उसका इंटरेस्ट इंडिया के क्लोज जाने में ज़्यादा है, और हो सकता है इस रीजन के ऊपर जो क्लेम करता है मतलब जो चीन ने अपना एक तरीके से जो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रखा है उसको थोड़ा सा वो पीछे हट जाए, है ना, जो पाकिस्तान को काइंड ऑफ सपोर्ट वो दे रहा है वो सपोर्ट ना दे, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे जो हमें समझना है कि चाइना और नेपाल का रेलवे अगर ये डेवलप होता है तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बहुत बड़ा है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉल्यूशन बॉडी क्रिटिसाइजेज दिल्ली हरियाणा गवर्नमेंट ओवर इनएक्शन। तो वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर सेशन अबाउट स्टबल बर्निंग, तो उसको आप देखना कि स्टबल बर्निंग क्या होती है, क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, इसको आपको देखना। यहाँ पे जो हमें समझना है जो कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, दैट इज़ ईपी है ना, ईपीसीए, ठीक है। तो ये जो आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी है ये बेसिकली क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। और आपका जल्द ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं GRAP, तो ये भी आपका इम्प्लीमेंट होने वाला है अक्टूबर 15 से, तो ये प्लान भी इम्प्लीमेंट होने वाला है। और अगर आप बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जिसमें आपके टोटल 8 पोल्यूटेंट्स हैं, ये ध्यान रखना कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है, तो टोटल 8 पोल्यूटेंट्स है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये शो किया गया है कि जो दिल्ली है, दिल्ली में जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, मेनली जो एयर पॉल्यूशन है, उस एयर पॉल्यूशन में एयर पोल्यूशन दिल्ली में काफ़ी अधिक है। तो यहाँ पे प्रपोज किया जा रहा है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए जिससे कि इसको जो पोल्यूशन का लेवल है उसको रिड्यूस किया जाए। तो अगर आप ईपीसीए की बात करता है तो इसको ये ईपीसीए बेसिकली है सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी टास्क विद टेकिंग वेरियस मेजर्स टू टैकल एयर पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो एनसीआर का इलाका है वहाँ पे एयर पोल्यूशन को टैकल करने की जिम्मेदारी है ना, ये बेसिकली आपका ईपीसीए के पास है, ठीक है। और ये नोटिफाई किया गया था इन 1998 बाय एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत ये ईपीसीए को नोटिफाई किया गया था। और यहाँ पे इसका एम क्या है कि जो एनसीआर का जो इलाका है उसमें एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये देखा जाता है। उसके बाद जैसे ऑब्जेक्टिव्स देखो तो प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो सेम सी बात है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये असिस्ट करता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इन वेरियस एनवायरमेंटल रिलेटेड मैटर इन द रीजन, क्योंकि दिल्ली में ही आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो सीट है दैट इज़ देयर इन दिल्ली, तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी नज़र बना के रख सकता है कि कितना लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन उस रीजन में, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये सब सोचा जा सकता है। और उसके लिए जैसे ये ग्रेडेड आपका ये जो एक्शन प्लान है ना, जो कि अगेन जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, इसको एनफोर्स करने की जिम्मेदारी जो है वो ईपीसीए के पास है और उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना और नेशनल कैपिटल रीजन में एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कम से कम करना। इसमें लगभग ईपीसीए में 14 मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन के अलावा इसके पास 14 मेंबर्स होते हैं, और कई जो है उसमें एनवायरनमेंट सेक्रेटरी हैं, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली के चेयरपर्सन ऑफ न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, ये भी इसका पार्ट है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ एनसीटी, कमिश्नर ऑफ वेरियस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एंड प्रोफेसर्स एट IIT दिल्ली एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो ईपीसीए है उसमें पार्टिसिपेशन किसका है, तो जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसका भी है, और जो लोकल बॉडीज़ हैं वो लोकल बॉडीज़ का भी पार्टिसिपेशन है ईपीसीए के अंदर, जिससे कि जो ग्रेडेड आपका रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ ये आपका एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि टाइफून हिट क्या है, हैगिबिस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये बेसिकली इसने कहाँ हिट किया है, तो जापान का जो रीजन है वहाँ पे इसने हिट किया। तो मेन पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये पैसिफिक ओशियन है, इस पैसिफिक ओशियन के रीजन में इसने हिट किया है, और ये आपका जापान का इलाका है जहाँ पे इसने हिट किया है, और कैटेगरी 5 का ये स्ट्रॉम था, ये भी आपको ध्यान रखना है, कैटेगरी 5 का, तो बहुत ज़्यादा विंड की स्पीड थी जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली इसने हिट कहाँ पे किया
और किस कैटेगरी का था ये जानना है, और ये भी आपको जानना है कि ये बेसिकली है क्या, इट इज़ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, इट इज़ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर आप बात करोगे, इस पर हमने बहुत डिटेल में समझा भी है और कई कई सारे मतलब उसमें हमने डिस्कशन भी किए हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर आप बात करोगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली काफ़ी तरह के आपके हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है विच वी कॉल इट एज अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये आपका अटलांटिक ओशियन है। तो इस रीजन में जो आपका अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कॉज होते हैं वी कॉल इट एज हरिकेन्स, और ये पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न रीजन में अगर ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होता है तो वी कॉल इट एज हरिकेन्स। और इंडियन ओशन रीजन में अगर ये साइक्लोन क्रिएट होता है वी कॉल इट अगेन एज अ साइक्लोन इन जनरल। और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं तो वी कॉल देम एज टाइफोन्स। तो ये जो है बेसिकली इट इज़ अ टाइफोन। तो टाइफोन मतलब यहाँ पे इस रीजन में ये पर्टिकुलर रीजन है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का जो रीजन है, अगर यहाँ पे कोई भी है ना, अगर कोई भी इन जनरल अगर आप देखो तो कोई भी अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन इस रीजन में क्रिएट होगा वी विल कॉल इट एज टाइफोन्स। तो अगर कोई आपसे पूछे टाइफोन्स क्या है, हरिकेन्स क्या है, साइक्लोन्स इन जनरल क्या है, तो ऑल दीज आर ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये आपको ध्यान रखना है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन जनरल, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर आप इन जनरल बात करते हो तो मेनली क्या है कि ऐसे साइक्लोन्स जो ऐसे कंडीशंस में होते हैं जो कि कंडीशंस आपकी अवेलेबल है विद इन ट्रॉपिक्स। तो जैसे दो कंडीशंस हैं कि जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर शुड बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा है दैट इज़ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, जो कि आपके पास यू कैन से कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर विच इज़ अगेन अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट द कैटेगरीज, तो कैटेगरीज भी आपको किलोमीटर पर आर की मतलब जो विंड स्पीड है उसके बेसिस में है। तो कैटेगरी 5 का था मतलब जो विंड स्पीड थी वो 252 किलोमीटर पर आर से ज़्यादा थी, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपका जो विंड स्पीड है वो कितनी है। तो जैसे कैटेगरी 1 में आपका 119 से 153 किलोमीटर पर आर, और 2 में 154 से 177 किलोमीटर पर आर, ऑल दीज आर विंड स्पीड। कैटेगरी 3 में 178 से 208 किलोमीटर पर आर, कैटेगरी 4 में 209 से 251 किलोमीटर पर आर, एंड कैटेगरी 5 में आपका मोर देन 252 किलोमीटर पर आर। तो ये जो टाइफून हैगेबिस है इट इज़ अ कैटेगरी 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखना है कैटेगरी के। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप साइक्लोन की नेमिंग की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो बेसिकली इसके लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन के विद इन, इसने गाइडलाइन प्रोवाइड कर रखी है कि साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे की जाएगी। और उसने क्या किया है कि अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग जो इलाके हैं उन इलाकों में, अलग अलग जो आपके रीजन्स हैं उन इलाकों में जो अलग अलग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो मतलब अलग अलग जो देश हैं, जैसे यहाँ पे इस रीजन में जो इंडिया है और दूसरे साउथ एशिया का जो कंट्रीज़ के जो पार्ट हैं, है ना, जो कंट्रीज़ उसका पार्ट है, तो वो नेम सबमिट करते हैं और फिर रोटेशन बेसिस में नाम लिया जाता है, ठीक है। तो मान लो कोई बहुत बड़ा साइक्लोन आ गया, जैसे हैगेबिस बहुत बड़ा था, तो इसका नाम को रिटायर कर दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा साइक्लोन है कि आपको पता ही नहीं चला तो वो नाम दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि बेसिकली जो गाइडलाइन है दैट गाइडलाइन हैज़ बीन गिवन बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं अ टैक्स पॉलिसी दैट कुड वर्क, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अभी कई सारे आपके आर्टिकल्स आएंगे इस कंसेप्ट पे, अक्टूबर 19 से बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, तो इसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है। पहला जो पॉइंट है दैट इज़ टैक्स टेररिज्म, ठीक है। व्हाट इज़ टैक्स टेररिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, टैक्स टेररिज्म। दूसरा आपका जो एक कंसेप्ट है दैट वी कॉल इट एज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, इन शॉर्ट वी कॉल इट एज BEPS, ठीक है। तो ये अगर आप बात करें इन जनरल, अभी सरकार ने कदम उठाया और कदम क्या उठाया कि जो कॉरपोरेट टैक्स है उसको काफ़ी कम कर दिया, मतलब अराउंड 25% कर दिया, और अगर आप सर चार्ज इंक्लूड करोगे तो 22%, मतलब अगर आप सर चार्ज हटा दोगे तो अराउंड 22% है ना। तो ये मतलब इतना रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे जो कॉरपोरेट टैक्स है वो कम किया गया। अब ये जो कॉरपोरेट टैक्स कम किया गया, इससे सरकार को रेवेन्यू का तो लॉस है, नो डाउट इसमें
काफ़ी रेवेन्यू का सरकार को लॉस है, लेकिन क्या सरकार कई सारे ऐसे मेजर्स लेगी जिससे कि जो ऑलरेडी मतलब एटलीस्ट इतना जो टैक्स तो है उनको पे करना है, तो क्या वो मेजर्स लेगी कि जो कंपनीज हैं MNCs हैं वो एटलीस्ट इतना टैक्स पे करें? अगर अभी अगर आप देखो तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो अलग अलग कदम उठाती हैं, अलग अलग जो कदम उठाती हैं जिससे कि अपने प्रॉफिट को कम दिखाएं और टैक्स कम पे करें, ऐसा उनका रहता है। तो अगर हमने मान लो कि इतना कम कॉरपोरेट टैक्स कर दिया तो उनको बेनिफिट तो है, लेकिन एटलीस्ट जितना ये कॉरपोरेट टैक्स है क्या उतना वो पे करेंगे? और अगर वो पे नहीं करते हैं, तो अगर मान लो सरकार बहुत आप ये कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, जैसे CCD का जो केस है आपका, तो अगर टैक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ काइंड ऑफ अ टैक्स टेररिज्म, मतलब आप टैक्स ना देने पर आप डरा रहे हो। उसके बाद दूसरा ये है कि ऐसे ऐसे नए टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी लेकर आ रहे हो जिसपे अगेन जो कॉरपोरेट सेक्टर और दूसरे जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस ऐसे अप्रोच को टैक्सेशन से रिलेटेड वी कॉल इट एज टैक्स टेररिज्म, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो टैक्स टेररिज्म अगर होता है, तो अगर टैक्स टेररिज्म मतलब अगर एटलीस्ट जितना कॉरपोरेट टैक्स है एटलीस्ट उतना पे करने के लिए अगर सरकार मजबूर करती है MNCs को, तो क्या इससे टैक्स टेररिज्म होगा? दूसरा, क्या ये हो सकता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के समय में जो इकोनॉमीज हैं उन इकोनॉमीज का आपस में इंटीग्रेशन हुआ है ना, ग्लोबलाइजेशन के समय में जैसे अभी वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड एरा, तो यहाँ पे मतलब एक MNC इंडिया में काम कर रही है तो दूसरा कहीं और कर रही है, तीसरे कहीं और कर रही है, तो MNCs आपका मतलब एक ही MNC अलग अलग देशों में जो है वो काम करती है, तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट है उसको शिफ्ट करे, है ना। मान लो अगर वो जितना प्रॉफिट यहाँ अर्न कर रही है तो यहाँ पे अगर टैक्स रेट बहुत हाई है तो है ना, तो मान लो अगर यहाँ पे अगर टैक्स रेट फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, मान लो कि सपोज 30% हमारा टैक्स रेट है कॉर्पोरेट टैक्स रेट, और किसी दूसरे देश में जो टैक्स रेट है वो दैट इज़ कॉर्पोरेट टैक्स रेट ओनली 15% है, तो क्योंकि ये सारी कंपनीज इंटीग्रेटेड हैं तो क्या जो प्रॉफिट है वो दूसरे ज्यूरिडिक्शन में शिफ्ट किया जा सकता है, है ना। ऐसी जगह पे वो शो करना शुरू कर दें कि हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है यहाँ से हमने इतना किया, क्योंकि वहाँ पे अगर वो इतना प्रॉफिट शो करेंगे तो उन्हें मात्र 15% देना पड़ेगा। और इंडिया के केस में अगर एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, कि मान लो बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल अगर टैक्स रेट है तो ऐसी सिचुएशन में वो अवॉइड करेंगे टैक्स पेमेंट में। तो ये जो अप्रोच फॉलो किया जाता है MNCs के द्वारा, वी कॉल इट एज बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, वी कॉल इट एज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो यहाँ पे ये शिफ्टिंग वर्ड याद रखना, प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो यहाँ बेस इरोजन मतलब जो प्रॉफिट का आपका अमाउंट है उसको रिड्यूस करना, ठीक है, दैट इज़ बेस जो आपका टैक्स बेस है उसको कम करना जिस पे आपको टैक्स देना है, फिर प्रॉफिट को शिफ्ट करना, मतलब एक ज्यूरिडिक्शन से दूसरे ज्यूरिडिक्शन में शिफ्ट करना, तो वी कॉल इट एज बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, BEPS। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इस वजह से कई सारे, जैसे अगर आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो लगभग $500 बिलियन अ ईयर इतना लॉस होता है आपका, जो कंट्रीज हैं उनको, मेनली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इतना लॉस होता है। तो इससे रिलेटेड कई सारी OECD जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और G20 देश हैं, वो मेनली OECDs जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि आपका BEPS पैकेज लेकर आया जाए, कुछ रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं जिससे कि डेवलपिंग देश क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का ये जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जाए। एक जो है वो ये है कि ऑलरेडी जो आपकी जो MNCs हैं वो MNCs कैसे हैं, वो MNCs अलग अलग देशों में काम कर रही हैं, तो ये जो डिफरेंस है टैक्स रेट पर, इस डिफरेंस को ख़त्म करो, ठीक है। तो अगर कहीं जितना टैक्स इंडिया में लग रहा है उतना टैक्स दूसरे देशों में भी रहेगा, तो ये इससे क्या होगा कि कभी भी वो प्रॉफिट को शिफ्ट करने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट को शिफ्ट करेंगे तो उनको उतना ही पे करना पड़ेगा, तो इसलिए वो बेटर वो करेंगे कि जहाँ पे है वहीं पे वो पे करें, ऐसा। तो ये एक कंसेंसस जो है वो डेवलप करना है देशों के बीच में, अलग अलग जो देश है, जिसकी मीटिंग आपकी अक्टूबर 19 को होनी है, ठीक है। तो ये अभी बहुत सारे इस पर आर्टिकल आएंगे। दूसरा ये है कि जो प्रॉब्लम है, की कंसर्न है कि ये जो टैक्स है, आप ऐसे कह सकते हो कि ये टैक्स इतना है, ये इस कंट्री में इतना है, तो आपने अगर 15% ऐसे डिवाइड कर दिया तो ये इतना आसान नहीं है।
अलग अलग जो दूसरे जो डिफरेंसेस है विद इन जो टैक्स रेट है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये आर्बिट्ररी अगर ऐसा किया जाएगा तो उससे भी काफ़ी आपका नुकसान है। किस फॉर्मूला को आप यूज़ करोगे जिससे कि टैक्सेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, है ना। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और इकोनॉमी में अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे टैक्स टेररिज्म, पुटिंग इलीगल और एक्स्ट्रा लीगल प्रेजेंस, प्रेशर ऑन द टैक्स पेयर टू एक्सट्रैक्ट ड्यूटी और ड्यूटी रिफंड विच इज नॉट ड्यू और ड्यू ओनली आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमने डिस्कस किया तो वही यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सेम थिंग कई सारे रीजंस आपके हैं, जैसे जो डोमेस्टिक टैक्स लॉ हैं वो उसके बेसिस में बहुत सारे नोटिसेस दिए जाएं, वो भी एक टैक्स टेररिज्म का एक आप कह सकते हैं एक फेस है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स लॉ, अभी इतना कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर आपने कर दिया कि जो भी टैक्स से रिलेटेड ऑफिसर्स होंगे वो कोई ना कोई लूपहोल लेके आपसे पैसा मांगना शुरू कर देंगे। ये भी इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स टेररिज्म। तो इसको कम करने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है सरकार को भी और दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी, और एक अगर इंडस्ट्रीज़ और सरकार के बीच एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो इस प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। फिर उसके बाद बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की बात करें तो इसमें क्या है, ये कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय मल्टीनेशनल, ये स्ट्रेटजी है जो यूज़ किया जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा टू शिफ्ट प्रॉफिट फ्रॉम हायर टैक्स ज्यूरिडिक्शन टू लोअर टैक्स ज्यूरिडिक्शन। ये बेसिकली क्या है, हायर टैक्स ज्यूरिडिक्शन से ये शिफ्ट कहाँ पर किया जा रहा है, लोअर टैक्स ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, हायर टैक्स ज्यूरिडिक्शन से लोअर टैक्स ज्यूरिडिक्शन। तो इस यहाँ पर एम क्या है कि आप कम से कम जो बेस है ना, वो बेस अगर आपने शिफ्ट कर दिया तो फिर आपको कम ऐसी जगह पे आप कर रहे हो जहाँ पे कम टैक्स है तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा और आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। तो इससे लगभग $5 बिलियन इतना नुकसान होता है जो डेवलपिंग देश, $500 बिलियन इतना नुकसान होता है जो डेवलपिंग देश। तो इस चीज़ को भी आप कोट कर सकते हो, दिस फैक्ट हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। नेक्स्ट देखते हैं कि ये इसी के तहत ओवर 130 कंट्रीज एंड ज्यूरिडिक्शन ये कोशिश कर रहे हैं व्हाट वी कॉल इट एज BEPS पैकेज। तो इसमें जो ग्रुपिंग है लगभग 130 कंट्रीज इसका पार्ट है, जो OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन BEPS जिसके लिए अक्टूबर 19 को आपकी मीटिंग भी होनी है। तो यहाँ पे BEPS पैकेज पर एग्रीमेंट होगा और ये भी प्रोवाइड करता है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो कंट्रीज़ के बीच में, जिससे कि ये जो अप्रोच है टैक्स अवॉइडेंस को टैकल करने का, मतलब ये जो अप्रोच जैसे BEPS का जो एक प्रॉब्लम है इसको अवॉइड किया जा सके, इसको टैकल किया जा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे जो लॉस होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को उसको भी लिमिट किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, कैन टाइफाइड बी एन इलनेस ऑफ द पास्ट। ये आर्टिकल आपका पूरा आया है तो यहाँ पे बेसिक चीज़ आपको समझनी है जो फैक्चुअल चीज़ है कि पहली बात तो टाइफाइड क्या है, इज़ इट अ वायरल डिजीज़ और इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो यू शुड बी अवेयर कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अभी यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये आपको सिम्टम्स नहीं बताने कि क्या क्या होता है, ये याद नहीं रखना, बट जस्ट यू नीड टू रिमेंबर कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है साल्मोनेला टिफी, ठीक है। तो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया दैट इज साल्मोनेला टिफी। और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कंटेमिनेटेड फूड, ड्रिंकिंग वाटर, इसकी वजह से आपके ये जो टाइफाइड की बीमारी है वो आपकी स्प्रेड होती है। अब ये जो टिप बार जो है ना, तो ये बेसिकली बहुत फेमस वैक्सीन है टिप बार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टिप बार तो क्या है, ये एक फेमस वैक्सीन है जो यूज़ किया जाता है अगेंस्ट टाइफाइड। अभी अगर आप इंडिया की बात करो तो वर्ल्ड लेवल पे मैक्सिमम जो वैक्सीन्स हैं उसकी सप्लाई की जाती है इंडिया के द्वारा, और ये जो टिप बार वैक्सीन है ये इसको अप्रूवल कुछ जगहों से मिली थी लेकिन हाल फिलहाल में अभी लेटेस्ट इसको WHO से अप्रूवल मिल गई है। तो अगर इसको अप्रूवल मिल गई है तो इससे क्या है कि हमारा जो वैक्सीन का मेले जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ग्रो और करेगी, अलग अलग मार्केट्स में वो रीच कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी इंक्रीज होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है टिप बार। तो इसको भी WHO से अप्रूवल मिल गया, तो ऑथर का मतलब जो राइटर है उनका कहना है कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरा क्या है कि ये पहला चीज़ तो यह ध्यान रखना है कि किससे रिलेटेड, दूसरा ये कंजुगेट वैक्सीन है, वी कॉल इट एज कंजुगेट वैक्सीन, ठीक है। तो देखो वैक्सीन का सिंपल सा कंसेप्ट क्या होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट वैक्सीन
तो वैक्सीन का जो सिंपल सा आपका जो कंसेप्ट है वो क्या है, इन जनरल अगर आप देखते हो तो कि जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है जैसे सलमोनेल टिफी, ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है। अभी इसको वीक फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा और इस बैक्टीरिया के खिलाफ आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी, और फ्यूचर में अगर आपको ये डिजीज़ होता है तो आपके बॉडी के अंदर क्योंकि एंटीबॉडीज़ हैं तो फिर ये इतना इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। ये बेसिक चीज़ है। दूसरा ये है कि वेन यू टॉक अबाउट कंजुगेट वैक्सीन, तो यहाँ पे आपको ये देखो कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल्स है वी कॉल इट एज एंटीजन। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आपको अटैक करता है वी कॉल इट एज एंटीजन। जैसे कोई बैक्टीरिया अगर वो कर रहा है वी विल कॉल इट एज एंटीजन। तो कंजुगेट वैक्सीन में एक तो वीक एंटीजन और स्ट्रांग एंटीजन, ये दोनों को कंबाइन करके वैक्सीन बनाई जाती है। जैसे कि अगर फ्यूचर में अगर वीक एंटीजन से, जैसे जो बैक्टीरिया है या जो वीक एंटीजन है अगर उससे कोई इन्फेक्ट होता है तो जो रेस्पॉन्स है वो और बेटर हो सके। तो इसमें बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट कंजुगेट वैक्सीन, विच इज़ ये जो आपकी है दिस इज अगेन अ कंजुगेट वैक्सीन, तो इसमें आपको वीक एंटीजन और स्ट्रांग एंटीजन दोनों को कंबाइन करके ये वैक्सीन डेवलप की जाती है। और मेनली ये है कि जो इम्यून सिस्टम है, जैसे कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो और स्ट्रांग रिस्पॉन्स दे पाए। ठीक है। अब ये जो वैक्सीन है किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वैक्सीन मेकर भारत बायोटेक। ठीक है। तो भारत बायोटेक इसने ये वैक्सीन बनाई है और मेनली जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए ये काफ़ी, जो टिप बार TCV, ये जो चिल्ड्रंस हैं बिलो 2 ईयर्स ऑफ एज उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव है ना ये पर्टिकुलर वैक्सीन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो करेंटली मतलब पहले की अगर आप बात करो तो इंडिया, नाइजीरिया, नेपाल, यहाँ पे आपके पास लाइसेंस था, बट एक बार अगर WHO के द्वारा क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन मिल गया है तो उसके बाद इंडिया पूरे सारी कंट्रीज़ में जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम सी सर्ज इन बटरफ्लाई बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है। अगेन दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड विथ GS पेपर 3। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज़ अगेन रिलेटेड विथ GS पेपर 3। तो समझते हैं इसको। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें बेसिकली कहा ये गया है कि कुछ कुछ जो बटरफ्लाई हैं उनकी नई जो स्पीसीज़ हैं वो पाई गई हैं, बटरफ्लाई की जो नई स्पीसीज़ हैं वो पाई गई हैं सिक्किम का जो रीजन है वहाँ पे। अभी आपके बटरफ्लाई के नाम याद नहीं रहेंगे, जैसे एक केसरे हिंद है। ठीक है। अभी ये ऐसे नाम याद नहीं रहेंगे, बट इसके पीछे जो कंसेप्ट है और ये जो इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो दैट वी विल डिस्कस। उसके बाद स्मॉल वुड ब्राउन बटरफ्लाई। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्मॉल वुड ब्राउन बटरफ्लाई। तो ये अलग अलग आपके बटरफ्लाइज हैं जो पाई गई हैं। अब यहाँ पे आपको जो पॉइंट समझना है वो ये समझना है कि ये बिलीव था कि जो एग्रीकल्चर है इस एग्रीकल्चर की वजह से बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अफेक्ट होती है। आप इमेजिन करो, है ना, मान लो कोई एक बड़ा सा एरिया है वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है। अभी फॉरेस्ट एरिया भी आपको ग्रीन कलर का लगता है, उस फॉरेस्ट एरिया को रिप्लेस करके, है ना, उस फॉरेस्ट एरिया को आप रिप्लेस करके इन जनरल क्या करो कि उस फॉरेस्ट एरिया को रिप्लेस करके आप एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दो। ठीक है। एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स हैं वो आप ग्रो करना शुरू कर दो। तो अगर आप एग्रीकल्चरल क्रॉप ग्रो करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, अगर फॉरेस्ट को रिप्लेस करके, एक ग्रीन चीज़ को रिप्लेस करके दूसरी ग्रीन चीज़ कर रहे हो तो इसका मतलब आपको जो इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पे नहीं होगा, ऐसा आपका मानना है। लेकिन आपको ये समझना है कि जो इकोसिस्टम सपोर्ट फॉरेस्ट करता है वो इकोसिस्टम सपोर्ट एग्रीकल्चर नहीं करता है। तो एग्रीकल्चर में अगर आप एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होता है तो इससे जो बायोडाइवर्सिटी है वो बायोडाइवर्सिटी भी आपकी काफ़ी अफेक्ट होगी। लेकिन सिक्किम में पाया गया कि भले ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसको काफ़ी फॉलो किया गया, जिसमें जो केमिकल का यूज़ मिनिमम रहता है ना, नो या मिनिमम आपका केमिकल का यूज़ होता है, तो ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन की वजह से बेसिकली अगर आप समझो कि इस सिचुएशन की वजह से ये हाईलाइट किया गया है कि क्योंकि नई नई स्पीसीज बटरफ्लाई की मिली है, तो ये हाईलाइट किया गया है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उस ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो बायोडाइवर्सिटी पर इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना आप सोचते हो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके
फ्रेम हो सकता है. तो एग्रो इकोसिस्टम मतलब जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और जितना है ना चीज़ें रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, उसमें जो इकोसिस्टम है वी कॉल इट एज एग्रो इकोसिस्टम, या फिर जो क्रॉप हैं या दूसरे जो एंटिटीज़ हैं एग्रीकल्चर के अंदर उनके बीच का जो इंट्रैक्शन है वी विल कॉल इट एज एग्रो इकोसिस्टम. तो इसमें 28 से 37% जो सरफेस है अर्थ का उसमें आप एग्रो इकोसिस्टम है. तो इससे क्या है कि नेचुरल जो हैबिटेट है वो आपका हट रहा है और बायोडाइवर्सिटी वो भी अफेक्ट हो रहा है. तो मेनली अगर जो पॉपुलेशन का लेवल देखो लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर लगातार बढ़ता जा रहा है तो जो लैंड एरिया है उस लैंड एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्रॉप्स को ग्रो करना पड़ेगा. और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करना है तो इसके लिए आपको फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा, लॉस इन नेचुरल हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, ये अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट. फिर है इंटेंसिव मोनोकल्चर. अगर इंटेंसिव मोनोकल्चर का मतलब एक ही क्रॉप को आप बार बार ग्रो कर रहे हो या केमिकल इनपुट काफ़ी आप यूज़ कर रहे हो, तो इससे भी क्या होगा, इससे भी काफ़ी सारी जो बायोडाइवर्सिटी वो अफेक्ट हो सकती है ना. मेनली अगर केमिकल्स का इम्पैक्ट को देखो तो उससे जो सॉइल बायोडाइवर्सिटी वो इफेक्ट हो सकती है. जो सॉइल है, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपका कम होगा. तो बायोडाइवर्सिटी लॉस, लॉस ऑफ पॉलिनेटर्स, नेचुरल एनिमीज, इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज, ये कई सारे ऐसे इंपैक्ट हैं एग्रीकल्चर के ऊपर. तो मेनली जो पॉइंट आपको समझना है दैट इज़ कि एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर का बायोडाइवर्सिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. तो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो मिट्टी है अगर आपने नोटिस किया हो तो वहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं. तो अगर आप केमिकल्स और ये सब यूज़ करोगे तो उनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी कम होती है. ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, है ना. और अगर एग्रीकल्चर मेनली अगर आप इंडस्ट्रियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हो तो वहाँ भी क्या है कि जो इनपुट है, इनपुट इन द सेंस कि जो अलग अलग केमिकल्स का आप यूज़ कर रहे हो, तो वो जो केमिकल है उसको यूज़ करने की वजह से जो वाटर है और सॉइल है उसका भी पोल्यूशन इंक्रीज होगा. ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना. नेक्स्ट देखते हैं, ड्रगेबल टारगेट्स फाउंड फॉर एस ऑरियस. तो यहाँ पे मेनली जो हाईलाइट किया गया है वो ये है कि जो थोड़ा सा प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है वो ये हाईलाइट किया गया है कि बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट कि ये जो स्टैफिलोकोकस ऑरियस है ये एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया धीरे धीरे ड्रग रेजिस्टेंस होता जा रहा है. अभी उसके लिए एक प्रोटीन को फाइंड किया गया, जैसे उन्होंने एक स्मॉल मॉलिक्यूल क्यूनन एपॉक्साइड है, क्यूनन एपॉक्साइड, इसका उपयोग किया है और इसको इस्तेमाल करके इसको प्रोसेस दिया हो जो कि आपको नहीं करना है. बट हमें ये जो समझना है कि मेनली ड्रग रेजिस्टेंस क्या है. तो यहाँ पे अगर क्यूनन एपॉक्साइड इसका इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई किया गया है कि ये जो ड्रग रेजिस्टेंस ये बैक्टीरिया है इसके खिलाफ जो प्रोएक्टिविटी है वो ड्रग्स शो कर सकते हैं. तो इसको ख़त्म करना या किल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा सकता है. तो व्हेन यू टॉक अबाउट ड्रग रेजिस्टेंस तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो कोई भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अगर कोई भी है, इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए व्हाट यू विल डू, आप कोई भी दवाई का यूज़ करोगे, वी विल कॉल इट एज ड्रग्स. तो अगर इस दवा का कोई भी असर इस बैक्टीरिया पे नहीं पड़ता, वी विल कॉल इट एज ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया. और ऐसे बैक्टीरिया की वजह से अगर कोई बीमारी होती है, जैसे टीबी है, तो वी विल कॉल इट ड्रग रेजिस्टेंस टीबी. ठीक है, या फिर अगर काफ़ी सारी जो दवाइयां हैं उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो तो वी विल कॉल इट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस. इसी तरीके से अगर आपने और एडवांस दवा ली उसका भी इम्पैक्ट बैक्टीरिया पे नहीं पड़ रहा है तो वी विल कॉल इट एज एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस. तो बेसिकली क्या है कि अगर ड्रग्स का जो इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है बैक्टीरिया के ऊपर, तो बेसिकली वी विल कॉल इट एज ड्रग रेजिस्टेंस. अब इसके पीछे जो रीजंस है वो मेनली जो जीन है, ऐसी जीन डेवलप की जाती है, उसका म्यूटेशन होता है या इवोल्यूशन होता है कि ऐसी जीन उसकी बैक्टीरिया के अंदर आ जाती है जिस वजह से उस पर ड्रग का कोई असर नहीं होता, ये बात. तो ये जो प्रोटीन है वो इस म्यूटेशन को रोकने में काफ़ी हेल्प करती है ना. म्यूटेशन का मतलब सडन चेंज, जो मान लो कोई जीन है उस पर कोई सडन चेंज होता है, वी विल कंसिडर इट एज अ म्यूटेशन. तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान. नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेन प्लास्टिक इन्वेड ग्रेट निकोबार. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देना है, ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आज के समय में जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो तो उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन, कोलेबोरेशन एक बड़ा एक एरिया है ना. अभी अगर आप ग्रेट निकोबार की बात करोगे तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो रीज़न है पूरा है ना, अंडमान निकोबार का जो रीज़न है, तो यहाँ से अलग अलग जगहों से क्योंकि जो सी है वो तो कनेक्टेड है, तो जो प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है. बहते हुए प्लास्टिक आपके इस पूरे रीजन में आ रहा है, जैसे ये पिक्चर आप देखो है ना, तो पूरे समुद्र में अगर प्लास्टिक आएगी, प्लास्टिक की वजह से क्या है,
आसपास का जो बीच है वो तो डर्टी होगा, टूरिज्म इससे अफेक्ट होगा, जो आपके जो मैराइन लाइफ है उसकी वजह से आपका अफेक्ट होगा. तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, है ना, अगर मान लो कि इंडिया चाहता है कि इस जगह पे पॉल्यूशन के लेवल को कम किया जाए, तो अगर इंडिया इस चीज़ को चाहता है तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर इंडिया इस आस्पेक्ट को करना चाह रहा है तो उसको फिर दूसरे देशों के साथ, जो जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग जो देश हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, चाइना, फिलीपींस, जापान, तो ये जो देश हैं इन देशों के साथ कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है प्लास्टिक लिटर को जनरेट करने में, और उसकी वजह से वो समुद्र के होते हुए दूसरे पूरे इन इलाकों में जो पॉल्यूशन का, प्लास्टिक पॉल्यूशन का लेवल है वो आपके इंक्रीज करते हैं. तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ये परसेंटेज याद नहीं रहेंगे, ठीक है, इसलिए कंट्रीज़ के नाम याद रखना एक दो, और एक्सेट्रा आप लिख सकते हो. तो यहाँ पे इंडोनेशिया, थाईलैंड, इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि ये जो ग्रेट निकोबार है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, दैट इज शोम्पेंस, ठीक है, शोम्पेंस नाम का ये जो ट्राइब है ये वहाँ पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको समझना है. उसके बाद आइलैंड में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, और जिसमें है ना, आइलैंड के अंदर आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, और उसके बाद उसके अंदर विदिन अगर आप देखोगे तो गलाथियाई नेशनल पार्क है, कैंपबेल रे नेशनल पार्क है जो इसके अंदर ही इंक्लूडेड है. उसके अलावा अगर आप उस जगह को देखते हो तो वहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, माउंटेन, कोस्टल प्लेन्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, और मेनली जायंट रबर क्रैब्स, क्रैब ईटिंग मैकाओ, रेयर मेगापॉडे जो है ना, और लेदर बैक टर्टल्स. तो यहाँ पे जैसे इस बार का यूपीएससी का अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो उसमें पूछा था कि ओशन करेंट और वाटर मासेस का क्या इंपैक्ट हो सकता है मैराइन बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि प्लास्टिक पोल्यूशन का क्या इंपैक्ट हो सकता है या फिर इस रीजन के बारे में आप पूछ ले, तो आपको ये कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे जायंट रबर क्रैब, क्रैब ईटिंग मकाओ, रेयर मैकापॉडे और लेदर बैक टर्टल्स. तो ये अलग अलग स्पीसीज़ हैं जो कि इसकी वजह से अफेक्ट होंगे. ट्राइब्स भी जो हैं वो शोम्पेन जो ये ट्राइब है, शोम्पेन्स जो हैं, तो ये ट्राइब भी इससे अफेक्ट होगी. तो इसलिए भारत को प्रोएक्टिवली स्टेप्स लेना पड़ेगा और इन कंट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट देखते हैं, श्री सैलम डैम, तो इसमें 3 गेट ओपन किए गए, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा. बट श्री सैलम डैम क्या है, ये कृष्णा रिवर के ऊपर बनाया गया है और आंध्र प्रदेश में, और श्री सैलम टेम्पल के पास है. तो ये डैम किस रिवर पे लोकेटेड है, ये एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, दैट इज़ कृष्णा रिवर, ठीक है, और किस स्टेट में लोकेटेड है, दैट इज़ आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो उसे आप प्रीवियस सेशन भी देख लो. तो जेम्स पीबल, माइकल मेयर और जिजियर क्यूलॉस, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है ना, आपका नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स से रिलेटेड. तो इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जैसे मेनली जेम्स पीबल ने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में, तो व्हेन यू टॉक अबाउट डार्क मैटर, तो इसमें क्या है, ये जो मैटर है यूनिवर्स में प्रेजेंट है, दैट इज़ इनविजिबल, और ये मेनली कोई लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसको हम डिटेक्ट भी कर पाते हैं मेनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है. तो 25% यूनिवर्स है वो डार्क मैटर है, और अदर 75% जो है वो अगेन दूसरा जो पूरा जो हम जानते हैं यूनिवर्स के बारे में वो है, और रेस्ट जो 70% है वो डार्क एनर्जी है, ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखते हैं, इनमें इन्होंने काम किया. यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि एक कॉन्स्टिलेशन जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया जिसका जिसमें इन्होंने काम किया, पेगासस, और यहाँ पे इन्होंने 51 पेगासी, ठीक है, जो कि 50 लाइट ईयर अवे है अर्थ से, उसको फाइंड किया, जो कि एक हैबिटेबल जोन है, एक्सोप्लैनेट है, और जो 51 पेगासी विच इज़ सम 50 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, और इसको फाइंड करने में आपका इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो मेनली अगर इनकी अगर आप बात करो दोनों की, पीबल्स के अलावा, तो 50% शेयर इनका है, 50% इन दोनों का है. तो इसमें मेनली इनका एक्सोप्लैनेट का मतलब है जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बियॉन्ड कोई स्टार है और वहाँ पे जो प्लैनेट्स प्रेजेंट है वी कॉल देम एज एक्सोप्लैनेट. तो यहाँ पे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में किसको दिया गया है, तो बी गुड इनफ, इसको भी हमने डिस्कस किया है, स्टैनले विथिंगम, अकीरा योशिनो, इनको दिया गया है किसके लिए, लिथियम आयन बैटरीज के लिए. तो लिथियम आयन बैटरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है मेनली इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है, और बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको ई व्हीकल्स बनाना है तो इन बैटरीज का उपयोग किया जा सकता है ना. तो अगर आप एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज का एक इंपॉर्टेंट रोल है जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है. सो आज के सेशन में इतना ही, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा.
एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस कोर्स. आपका प्लस प्लेटफॉर्म के अंदर डेली बेसिस में 11 AM को क्लास होती है और इसमें 2 ईयर्स का करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा. इसमें लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. इसके अलावा इसके अलावा अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के अंदर 80+ टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव पढ़ाया जाता है. तो आपका जितना भी सिलेबस है GS 1, 2, 3, 4 और ऐसे है, टेस्ट सीरीज है, ऑप्शनल है, सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड है. ज्वाइन करने के लिए SP लाइव रेफरल कोड आपको यूज़ करना है. जैसे ही आप SPLIV इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे, अगेन द अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%. सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अनअकैडमी स्टूडियो राइस को भी जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.